हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और मुकदमों को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर के बार संघ और अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके चलते मुजफ्फरनगर के अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश नजर आया। सिविल बार एसोसिएशन के दर्जनों अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई को लेकर और पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को सौंपा। इस दौरान दर्जनों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पर अधिवक्ता मौजूद रहे। ज्ञापन के दौरान अधिवक्ताओं ने मांग की कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हापुड़ का अविलंब स्थानांतरण हो और दोषी पुलिस कर्मी जिनके द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है एवं महिला अधिवक्ताओं को भी पीटने का कार्य किया गया है, उन पुलिस कर्मियों पर मुकदमे दर्ज हों। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस ने मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें वापस किया जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर तुरंत प्रदेश में लागू किया जाए। हापुड़ के घायल अधिवक्ताओं को तुरंत मुआवजा दिया जाए। जिला बार संघ मुजफ्फरनगर अध्यक्ष अनिल जिंदल ने बताया कि 29 अगस्त को हापुड़ में अधिवक्ताओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया और हद तो तब हो गई जब पुलिस सुरक्षा कर्मियों के द्वारा महिला अधिवक्ताओं पर भी लाठियां भाजी गई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में अधिवक्ता और महिला अधिवक्ता घायल हुए, तो वहीं अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। घटना की वजह से अधिवक्ता समाज में रोष है और पूरे उत्तर प्रदेश के वकील आंदोलित है। 29 अगस्त को हापुड़ में अधिवक्ताओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया गया और हद ये हुई कि पुलिस सुरक्षा कर्मियों के द्वारा महिला अधिवक्ताओं पर भी लाठियां भांजी गई, जिससे बहुत बड़ी संख्या में अधिवक्ता और महिला अधिवक्ता घायल हुए, अस्पताल में उन्हें भर्ती करना पड़ा। उस घटना की वजह से अधिवक्ता समाज में बहुत रोष है। पूरे उत्तर प्रदेश के वकील आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस घटना के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने मांग रखी है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करके जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त करके जेल भेजा जाए। वहीं पूरे हिंदुस्तान में इस घटना के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज ये ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमने मांग रखी है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करके जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और उन्हें बर्खास्त करके जेल भेजा जाए। देखिए, हमारे हापुड़ बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यगणों पर, महिला अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया है उसके विरोध में हमारी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा लगातार पिछले 4 दिनों से हड़ताल कर अपने कार्य सुविधा रहते हुए सभी प्रदेश के अधिवक्तागणों को अपना ये अपेक्षित किया गया है कि हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, अपनी मांगे पहुंचाने के लिए उसी संदर्भ में हम लोगों ने अपने यूपी बार काउंसिल के प्रस्ताव के आह्वान पर हमने आज एक अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को अपेक्षित किया है माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि वहाँ पर हापुड़ जिले के जो अभी मौजूदा जो जिला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी और वहाँ के SSP महोदय का, उनका अविलंब ट्रांसफर किया जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा हमारी मांग ये भी है कि जो घायल हमारे अधिवक्तागण हैं उनको उचित मुआवजा हो और हमारा प्रोटेक्शन जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। देखिए, ये बड़ी विडम्बना की बात है कि हम लोग जो पब्लिक, हम जनरल पब्लिक को जो हम लोग न्याय दिलाते हैं, आज हम लोग खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है जल्दी इस पर कोई ना कोई न्यायोचित कदम लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जल्दी समस्या का समाधान होगा और हमारी बातें सुनी जाएंगी। थैंक यू। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।